हेलो यार गाइस, कैसे हो आप सब भाई? उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम आपको बताएंगे कि आपको बाइक में कौन सी स्पीड पे कौन सा गियर लगाना है। तो गाइस, करते हैं क्या कि जो नए नए बाइक चलाना सीख रहे थे या जो बाइक चलाना सीख भी गए हैं, वो गलती ये करते हैं कि गाइस, जब आप बाइक चलाते हैं तो गाइस, जब हमारी बाइक जो है साउंड करती है, ठीक है गाइस, तो वो है गियर चेंज नहीं करते गाइस, ठीक है। तो उससे होता है क्या, अगर आप राइट स्पीड पे राइट गियर नहीं चूज़ करोगे, मतलब कि आप सही स्पीड पे सही गियर नहीं लगाओगे, तो आपका होगा क्या, उससे जब आपका इंजन रैप करता है, ठीक है गाइस, ओवर मतलब आवाज़ करता है और आप गियर चेंज नहीं करते, उससे होता है क्या है कि आपके जो होते हैं क्लच प्लेट बर्न होती हैं, ठीक है, क्लच प्लेट घिसती हैं और उसके बाद आपके इंजन पे इफेक्ट पड़ता है, और तीसरा जो होता है आपका जो गेयर बॉक्स होता है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है गाइस, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आपको कौन सी स्पीड पे कौन सा गियर लगाना है, जिसकी आपकी बाइक की मतलब मेंटेनेंस भी ठीक रहे और एवरेज भी अच्छी निकले और आपकी बाइक जो है आवाज़ भी ज़्यादा ना करे, ठीक है गाइस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइस। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं अपनी बाइक की तरफ। गाइस, ये है हमारी अपाचे RTR 160। तो गाइस, इसमें 5 गियर हैं, ठीक है गाइस। तो मैं आपको एक बार गियर भी बता देता हूँ आपको। तो गाइस, आप ये देख सकते हो, ठीक है, ये इसकी गियर है, ठीक है। फर्स्ट जो होगा नीचे की तरफ होगा, ठीक है, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, ठीक है गाइस, ये वाले गियर है, ठीक है गाइस, फर्स्ट, न्यूट्रल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है गाइस। तो 5 गियर है गाइस, ठीक है। जो इसके गियर जो लगते हैं, जो फर्स्ट गियर होगा वो नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है गाइस, और जो सेकंड होगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, थर्ड ऊपर की तरफ लगेगा, फोर्थ भी ऊपर की तरफ लगेगा और फिफ्थ भी ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है गाइस। तो उसके बाद हम बात करते हैं गाइस कि आपको कौन सी स्पीड पे कौन सा गियर डालना है, ठीक है गाइस, राइट स्पीड पे राइट गियर चूज़ करना है गाइस, ठीक है गाइस। गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है डिजिटल मीटर है, ठीक है, तो मतलब इससे जब बाइक जो है रनिंग पे होगी तभी इसकी स्पीड शो करता है, ठीक है गाइस। तो मैं आपको RPM मीटर के हिसाब से समझाऊंगा, ठीक है गाइस। जैसे मान के चलिए जी ये 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40, ठीक है गाइस, और 50, ठीक है, इस तरह से समझाओगे, जैसे 60, 70, 80, 90, 100, इस तरह की स्पीड से समझाऊंगा, ठीक है गाइस। तो मान के चलिए जैसे हमारा फर्स्ट गियर है, इसमें 5 गियर हैं, ठीक है गाइस, फर्स्ट और सेकंड के बीच में इसका न्यूट्रल होता है गाइस, ठीक है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे होता क्या है, जैसे गाइस हम जैसे बाइक चलाते हैं, तो बाइक जब हम फर्स्ट गियर पे बाइक को उठाते हैं तो करते क्या है कि गाइस, जैसे ये मान के चलिए 0 से 10 है, ठीक है, 0 से 10 है, तो गाइस 0 से 10 और 15 के बीच होते हैं आइडल स्पीड होते हैं फर्स्ट गियर की, इस पे इसके ऊपर हम बाइक को चला सकते हैं। पर 0 से हम 20 और 25 की स्पीड पे चलाएंगे तो इसके हमारे क्लच प्लेट पे और गेयर बॉक्स पे और हमारे इंजन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो होगा बाइक जो है आवाज़ करेगी, क्योंकि जो हमारे फर्स्ट गियर की स्पीड जो होती है 0 से 15 तक होती है गाइस, ठीक है। तो आपको करना है क्या है, जब भी अपने बाइक चलानी है 0 से 15 की स्पीड में ही फर्स्ट गियर पे बाइक चलानी है, ठीक है। जैसे 15 से अब होगी, आपने सेकंड गियर डाल देना और सेकंड गियर की स्पीड जो होगी 15 से 25 के बीच में, जैसे 15 से 25 में होगी आपको सेकंड गियर लगा देना है, ठीक है गाइस। और उसके बाद हम गाइस बात करेंगे 25 से 35 के बीच में आपको थर्ड गियर चूज़ कर लेना है, ठीक है। जैसे 25 और 35 के बीच में आपकी कोई भी स्पीड होगी तो आपने थर्ड गियर चूज़ कर लेना है। उसके बाद 35 से 45 में आपको फोर्थ गियर चूज़ करना है, और जैसे ही 45 से आप ऊपर जाओगे 50 के अब जाओगे आपने तो फिफ्थ गियर डाल लेना है गाइस, ठीक है। और वैसे ही आपको जब डाउन शिफ्टिंग करनी है तो गाइस आप जैसे फिफ्थ गियर पे हो, आपकी स्पीड है 50, 55, जैसे आपकी स्पीड आती है 45, 40, तो आपने फोर्थ गियर लगा लेना है। और फोर्थ गियर लगाने के बाद जैसे आपकी स्पीड आती है 35, 30, तो ठीक है, आपको थर्ड गियर चूज़ कर लेना है। और उसके बाद जैसे आपकी स्पीड आती है 30 से 35 से 25, तो आपने 20 के बीच में जो है सेकंड गियर चूज़ करना है। और जैसे ही 20 से आपकी स्पीड 50 और 10 के बीच में आती है तो आपको फर्स्ट गियर ही लगाना है, ठीक है गाइस। इससे जो होगा कि गाइस आपकी बाइक जो है झटका नहीं लगेगी। आप जैसे मान के चलिए आपकी स्पीड जो है
12 और 15 के बीच आ रही है और आप सेकंड गियर पे चला रहे बाइक, तो इस पर जर्क लगेगा गाइस, ठीक है। तो जर्क लगने से होता है क्या कि गाइस हमारी बाइक जो है इंजन पे इफेक्ट पड़ता है, क्लच पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है गाइस। तो आपको इस तरह से गियर डालने हैं गाइस, ठीक है। और हमेशा याद रखना है कि जो फर्स्ट गियर जो होता है, जो 0 से 15 तक आइडल स्पीड बताई मैंने, ठीक है गाइस, तो वो फर्स्ट गियर सिर्फ बाइक को मूव करने के लिए होता है। जब आपकी बाइक जो होती है हम चला रहे हैं तो उसकी बाइक को ठीक 0 से 15 की स्पीड में हम जैसे ट्रैफिक में हैं या कहीं हमारी बाइक फंसी है तो उस स्पीड में चला सकते हैं। मैंने एक बार आपको जो डाउन हिल अप हिल वाला गियर बनाया था, मैंने ये वीडियो बनाई थी अभी कुछ ही दिन पहले डाली है, जो कि मतलब आपको फर्स्ट गियर पे बाइक स्लो कैसे चलानी है, वो वीडियो भी आपने जरूर देखनी है। इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि आपको फर्स्ट गियर पे ज़्यादा रेस नहीं देनी है, तो इसलिए बताया था कि आपका इंजन जो है ओवर हीट होता है और इससे क्लच प्लेट जो है जल सकती है और आपके इंजन पर इफेक्ट आएगा। आई होप गाइज आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे आप जैसे ही ऑल पर सेलेक्ट करोगे आपको बेल नोटिफिकेशन की हमारे जब भी हम वीडियो डालेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको आएगी और आप वीडियो तुरंत देख पाओगे। थैंक यू।